द कपिल शर्मा शो। आज हमारे मोहल्ले में बहुत मस्ती होने वाली है, क्योंकि हम मस्ती करें ना करें, लेकिन जो गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं ये मस्ती किए बिना रह नहीं सकते, ये बहुत बड़े मस्ती खो रहे हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द थ्री मस्ती बॉयज विवेक ओब्रॉय। जोरदार तालियां साथ साथ में। आफ्ताब शिवदासानी, चलने तो मजा आ रहा था मस्ती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट के लिए। सुदेश भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू हमारे शो में। थैंक यू पाजी, थैंक यू, वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर चैनल बट इट्स सेम शो। सुदेश भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, दूसरी बार पापा बन गए यार। थैंक यू, हमारा पहले ही बार बनने का टाइम नहीं लग रहा, हर साल इतनी इतनी फिल्में। अच्छा, पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मेहनती लड़का है बहुत, शेव करने का टाइम नहीं, बाकी सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा आप देख लो, पहली बार जब फिल्म मस्ती आई तो रितेश भाई ने जनीले से शादी की, उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई, फिर इनके एक बेबी हुआ बड़ा प्यारा सा, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, उसके बाद फिर बेबी हुआ जी। तो टोटल कितने सीक्वल करने का इरादा है आपका फिल्म के? ऐसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ये आपकी फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं कि इंद्र कुमार जी कर रहे हैं? मतलब पर अच्छा है, नाइस। जी जी नहीं, अभी क्या, अभी हम लोगों ने तय किया है कि अगला पार्ट तभी होगा जब आफ्ताब जी अब इस रिंग में आ जाए, क्योंकि हम दोनों को दो दो बच्चे हो गए जी। अब आफ्ताब जी के लिए रुके हम लोग, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये आप लोगों ने मस्ती देखी होगी, ग्रैंड मस्ती देखी होगी, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, फिल्म में ये तीनों बरकरार हैं, लेकिन हमेशा लड़कियां चेंज होती हैं, तो ये आप तीनों की डिमांड होती है कि डायरेक्टर की ख्वाहिश होती है? सर एक काम कीजिए, अभी डायरेक्टर आ रहे हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन हर फिल्म में इन लोगों को और क्यों रखते हैं? और इन लोग तू नहीं है क्या? इन लोग क्या होता है? इन लोगों भैया, इन लोगों मतलब हम लोगों, क्यों रिपीट करते हैं? जो इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर इंद्र कुमार, उनका ये कहना है, मैंने कहीं सुना था उनके इंटरव्यू में, उनका ये कहना है कि हीरोइन जो होती हैं वो बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन हीरो जो है हमेशा यंग रहते हैं। सो उनके मन का जो, उनकी विचारधारा को सुन के मुझे ये लग रहा है भाई, 50 साल बाद भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती का जो भी पार्ट आएगा उस समय जो भी नाम रखा जाएगा, द ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट द बिगेस्ट ग्रैंडर मस्ती वट एवर, उस वक्त ग्रैंडफादर मस्ती ये नहीं हटेंगे, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, पता चले 80-90 की उम्र में भी नकली दान लगा के मस्ती कर रहे हैं, इस बार कौन सी हीरोइन है? जो भी हो, जितने भी सीक्वल बने, मेरे तीनों भाइयों को बड़ा फायदा है मुझे इस बात की। थैंक यू। मस्ती फिल्म में तीनों जो हैं एक लड़की के ऊपर इनका भूत सवार हो जाता है दिमाग में, एक ही लड़की के पीछे लग जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई जिसमें तीनों को अलग अलग लड़कियों का भूत सवार हो जाता है। अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की भूत बन के आप पे सवार हो रही है? नहीं, क्या है कि इस बार एक अलग जॉनर, जो हॉरर कॉमेडी है, जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, हम सब पहली बार कर रहे हैं, तो इसमें तीन लड़के एक लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं और एक दूसरे का पत्ता काटने में तुले होते हैं। अच्छा। और फिर बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं है, भूत है। तो फिर क्या करते हैं? फिर वो भूत बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारा पता नहीं लेकिन मुझे तुम लोग चाहिए, और जिसके साथ मेरा मिलन होगा वो मेरे साथ, उसकी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये डिसाइड कर लो कि तुम तीनों में से मरना कौन चाहता है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा हो, कहना चलो एक बार तो सही, बाद में देखा जाए। अच्छा, एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग पे जिनेलिया भी आई थी रितेश, मैंने सुना है जी। तो आपने इनवाइट किया था कि उन्होंने रेड मारी थी? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं, मैंने खबरों में देखा था। मैं बताना चाहता हूं, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, मैं बताना चाहता हूं, अगर जिनेलिया के एंट्री पर आपने रितेश का एक्सप्रेशन देखा होता तो आपको वैसे ही जवाब मिल जाता। तो ये हेयर स्टाइल जिनेलिया ने किया कि सेट कि रितेश चलो जाओ, वो रेड ही थी जिसे मैंने इनविटेशन का नाम दे दिया है।
मैं आपको एक आइडिया दूं, जब कभी ऐसी आप नॉटी फिल्म कर रहे हो ना, तो एक रूम तो अपने लिए बुक करते करते एक ऐसा रूम बुक करो जिसमें सारी भगवानों की तस्वीरें लगी हों, तो जैसे पता लगे बीवी चेक इन कर रही उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्या बात है, इंटरनेट ऐसे ही आइडिया दिया। बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है बंदा। अच्छा भाई, ये सवाल भी आप तीनों से है। नॉर्मली जब कोई एक्टर कोई फिल्म करता है तो घर जाके आदमी डिस्कस करता है जिसके साथ भी, नॉर्मली अपनी वाइफ से कि डार्लिंग आज ये सीन किया। जब आप ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी नॉटी फिल्म कॉमेडी शूट करते हैं तो तब तो आदमी सीधा बहाना ढूंढता होगा कि टॉपिक चेंज ही हो जाता ही, कि अरे आ गए आप, अरे हाँ यार शूटिंग में राजमा हो गए, मतलब इतना तो टॉपिक आप डिस्कस करते हो घर पे जाके। सर मैंने तो स्क्रिप्ट सेशन में अपनी वाइफ को ले लिया था साथ में। अच्छा, मेरे साथ बिठा कर मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुना दी उसको और फिर उसका कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो टेक्निक है कि आगे सदमा ना लगे। बिल्कुल, कि सब 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 पहले ही जान जाए। इसके पीछे और भी चाल हो सकती है इनकी, कि अभी अभी स्क्रिप्ट है उसके बाद आगे जाके इम्प्रोवाइज बहुत कुछ होने वाला है। Correct. हम लोग करने वाले हैं। तो ये सीन देखिए कि इंदू जी जो डायरेक्टर है वो नरेट कर रहे स्क्रिप्ट और निन भाभी सुन रही है। अच्छा, इंदू जी आफ्ताब को देख रहे हैं हाँ बोलेगा है ना, आफ्ताब बीवी को देख रहे हैं हाँ बोलेगा। मैं हूँ। अच्छा आफ्ताब, आपका एक फिल्म में डायलॉग था कि शहर की लड़की से एबीसीडी नहीं और गांव की लड़की से काखा गा। जी, तो काखा गा फ, काखा गा करें फर्स्ट से फ्लर्ट फ्लर्ट। तो आपने डायलॉग तो बोल दिया काखा गा जी, आपको काखा गा पूरा आता है? नहीं आता। किस, आप तीनों में से किसी को नहीं आता? काखा गा गा न नहीं, च च झ झ ज झ फ। आई नो आई नो, क ख ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ट ठ ड ढ। अब आपको पता चला कि अनपढ़ लोगों के साथ मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अरे हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, आप में से किनको कॉन्फिडेंस है कि उनको ख ख पूरा आता है? जी भाई साहब, आपका फेस भी हिंदी व्याकरण जैसा लग रहा है, आपको मुझे पक्का पता आती होगी। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं रोपड़ पंजाब से। रोपड़ पंजाब से? बिल्कुल सर। आपको तो उड़ाड़ा भी आता होगा? सर बिल्कुल आता है, उड़ाड़ा एडी ससा हा का 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 नहीं है, आगे नहीं पता सर। ये तो का 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 सुना है हिंदी में? कौन सी नहीं है ये पंजाबी का, पंजाबी व्याकरण की क ख ग 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 ख ग क ख ग ग ग ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मस्ती ऐसा क ख ग ग ग गान को गी। सर इतना ग ग ग ग तो घाघरे में भी नहीं था। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी रिपीट। इतने आगे निकल गए आप। क ख ग ग्रेट ग्रैंड मस्ती। परफेक्ट सर, क्या बात। थैंक यू सर, ताली बजानी थी। यहां पे एक मोहतरमा ने भी हाथ खड़ा किया था। जी मैडम। का खा गा गा अंगा चाचा जा जा इया टाठा डाडा आणा ताथा दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा शाखा शाहा छत्र क्या। क्या बात है मैम, आपने कंपोजिशन करके सुनाया पूरा। मैम कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से। कानपुर से, क्या बात है, कानपुर वालों ने पूरा काका याद रखा हुआ। कानपुरियों की बात अलग होती है। वैसे मैं रहती बॉम्बे में ही हूँ। अच्छा जी, बीआरसी से आई हूँ। अच्छा, तो यही काका का मराठी में सुनाएंगे? नहीं सर नहीं आता। अच्छा अच्छा, तो आप क्या रितेश को ही नहीं आता? इनकी सिर्फ लय भारी है काका का। वही कहने वाला था मैं। इनको पूछो मराठी, बोले माउली माउली माउली। वो मेरी अगली फिल्म का नाम है माउली। माउली माउली मींस गॉड मदो। दिमाग ऐसा होना चाहिए, बंदा एक शो पे दो दो फिल्में प्रमोट कर रहे हैं, एक आ रही है नहीं आने वाली। गुड गुड ब्रदर। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं मैम? जी सर। आपको भी आता है सर काखा का पूरा? जी हाँ जी हाँ। क्या बात है सर, तो आपस में इसी चीज की रिहर्सल करते रहते हैं काखा का? क्या करते सर आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा जी जी। और किस डिपार्टमेंट में सर? परमाणु ऊर्जा विभाग, बीएआरसी यहाँ पे। अरे वाह क्या बात, परमाणु ऊर्जा जी, एटम बम वाला जी? नहीं हम ऊर्जा बनाते हैं, एटम बम वाला तो नहीं। तो परमाणु ऊर्जा और एटम बम में क्या फर्क होता सर? नहीं होता क्या है, जो हम शांति के लिए उपयोग करते हैं जो एनर्जी बिजली बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। और जो बम वाला होता है उसको हम बता नहीं सकते हैं। मतलब आपको पता है वैसे? ये जलाते हैं वो उड़ाते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। रितेश आफ्ताब और विवेक से ढेर सारी बातें करेंगे। बाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए।
क्या कर रही रिंकू भाभी आप? हम विलाप कर रहे हैं। किस बात का? हमारे जो हस्बैंड के साथ हमारा ब्रेक था ना, वो अब हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। हाँ, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो देखो मस्ती कर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बता। ये तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़े। इनको बताओ से झगड़ा किस बात के लिए हुआ आपका? झगड़ा तो भी होना ही था, उनका बाहर अफेयर चल रहा था। तो बाहर तो चले गए क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा काम खराब है। लेकिन क्या आपको कैसे पता चला अफेयर चल रहा है उनका? अब पता तो चलेगा, हम हैं स्मार्ट, हमको पता चल जाता है। कैसे? ओ, घर पे हम मटर पनीर का सब्जी बनाए थे तो सब्जी में सारा पनीर पनीर खा गए, मटर नहीं खाया, छोड़ दिया। इसका मतलब समझते हो? मटर गले नहीं होंगे और क्या? नहीं नहीं समझो, जो आदमी घर पे मटर नहीं खा रहा है, इसका मतलब बाहर से मटर गश्ती करके आया है वो। बहुत ही सीरियस मटर है। हाँ, और सभी सबसे बड़े मटर ऑफ फैक्ट बता रहे हैं। मटर ऑफ फैक्ट क्या है? वो उनका जो फोन नंबर है ना, फोन है ना फोन, जी जी, उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है, बताओ, ऐसा मर्द है। तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का तो। नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा। येड़ा येड़ा जो होता है वो क्या किया है जी? और जितना भी लड़की लोग है ना, उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। अच्छा। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ दे रहा है। वरना खुद बताइए, रात को 2 बजे बद्री कारपेंटर को कौन भेजता है आई मिस यू, ऐसा मैसेज तो भेजता है। एक बार क्या हुआ, हम रात को मतलब एक दिन हम अकेले थे दोनों, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेट पे। अच्छा। पता है आलोक नाथ जी का वीडियो दिखा दिया उसने। टाइप किए हॉट आलोक नाथ वीडियो और वीडियो निकल भी आया हुआ, रेगिस्तान में गरम गरम रेत के ऊपर आलोक नाथ जी जा रहे हैं बेटी का गौना लेते हुए, ऐसा वीडियो निकलाया। हमको उस मर्द के साथ रहना ही नहीं, हमने देख लिया। तो इतनी सी बात के लिए छोड़ रही हैं आप अपने हस्बैंड को? इतनी सी बात नहीं है, उनको भी तो देखो वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगा रहा है वो आदमी, क्या वो कहता है रात को हमारे यहाँ भूत आता है। देखिए, हेलो हेलो रिंकू जी, ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे, आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं, हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। क्यों हंसते कैसे मतलब? बच्चे डर जाते हैं। कहीं नहीं दिख रहे, अनार लग रहे हो। कली है। तुम हो अकबर। अकबर? अकबर। पिछले जन्म में तुम अकबर थे, हम को सारा टाइम कनीज कनीज कह के डांस करवाया तुमने। अच्छा नहीं लगा तो डांस करवाया ना हमको, कहा कि नाचो नाचो कनीज, हमको नहीं अच्छा लगा, इतना बेस्ट था तुम्हारी आवाज में पहले, अब हम उसका बदला ले,
हमको बदला लेना है। आप बदला ले रही हैं कहीं टॉयलेट पर कितनी बैठ गई आप? बदला ले। ऑल द बेस्ट अकबर। बाय। धिक्कार है। बाय। आई। अकबर भाग जा। बदला ले। अरे कुछ कुछ होता है, मत करो, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, अरे माफी हो तुम्हारी, कुछ कुछ होता है, सोफा पे जा रहा है, क्या करूँ, क्या करूँ? तो झाड़ू फेंक दिया है। उधर गया आपका भूत? भूत नहीं है, और तो हम देवर समझ के भाभी देवर मजाक चलता रहता ना, वो कर रहे थे। भाभी ये लो आपके बाल। अरे तो इनका वो है, सेविंग का वो ब्रश है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आ गए होंगे, हम तो लड़ने का टाइम हो गया है। ठीक है, यार मैं ना काफी देर से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ। ये पीछे जो मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? माइक देना ब्रदर उनको। अब ये ब्रदर सनी। सर ये जो आपने सोना वगैरह पहना है ये असली है? असली है। तो आप चैनल खरीदने आए हमारा? जी ये वैसे इनकी ज्वेलरी की दुकान है, पिछली बार लुट गई थी तो इस बार दुकान लेके घूमते हैं। कहाँ से हैं ब्रदर आप? पुणे, पिंपरी। पुणे से? तो यार इतना मतलब कितना होगा, तकरीबन 21-22 किलो पहना होगा आपने? नहीं 3.5 kg है। तो भाई साहब ने भी? हाँ दोनों नहीं, मेरा 3 kg। ये एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा सबको, ये विवेक जी के दोस्त हैं। अच्छा। ये दोनों मैं बाहर मिला इनसे और मुझे पता चला कि विवेक जी काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जब बैंक से लोन लेते हैं तो इन दोनों को गिरवी रखते हैं। यार अच्छा ये बात पाजी, मुगलों का तो फालतू में नाम लग गया, सारा सोना तो आप ले गए। पर आप क्या करते ब्रदर? अभी फिलहाल अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी बिजनेस में लगने के काम करने वाले। कॉलेज में भी आप इतने सोना पहन के जाते हैं? हाँ इतने। तो प्रिंसिपल ने तो आपको अलग से 300-400 पुलिस वाले लगाए होंगे आपके ऊपर। कॉलेज ही हमारा है, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे। ये बाबा ये जूते भी सोने के हैं। आज भारी है, भारी हो रहा है, टोटल भारी। भाई आपके पैर क्या है, सोने के? सच्ची? अच्छा पर ये आपने सबसे पहली बार कब पहना था ऐसे? पहले बचपन से पहन रहे, मतलब एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो बचपन से लेके आज तक खाना खाते खाते 5-6 अंगूठियां तो खा चुके होंगे, गिर जाती है ऐसे। बचपन में जब इनकी माँ इनको पूछते बेटा सोना चाहते तो हाँ बोलते। अच्छा यूनिक स्टाइल है आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स। अब वक्त है उनको यहां इनवाइट करने का, जिसके लिए
ये तीनों हीरो जो हैं आपस में लल पड़ते हैं, यानी कि फिल्म की लीड हीरोइन उर्वशी राटेला और मस्ती सीरीज का डायरेक्टर मिस्टर इंद्र कुमार। हाय, वेलकम। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर इंद्र कुमार और उर्वशी राटेला के लिए। कैसे हैं उर्वशी? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप नहीं, वो तो हमें पता है। मैं कहा वैसे कैसी, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। मेनका लग रही है आज पूरी। तपस्या भंकर में आई आपकी। सर, आपके आने से पहले मैं, जब आप और उर्वशी नहीं आए थे, तो मैंने इन तीनों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा आपकी फिल्म में हीरो तो सेम ही रहते हैं, तो हीरोइन जो है बदल जाती हैं, तो ये सर इनकी डिमांड होती है कि आपकी इच्छा होती है ऐसे? अच्छा था। बाप रे, फिर ये ट्रैपिंग वाला सवाल है। बोल दो सर, बोल दो बिंदास। बोल दो। एक्चुअली क्या है कि मैं सच बताऊं? सर बोल दो। लड़कियां जो होती है वो, मतलब नहीं नहीं सर, सर सर बोलो सर, नहीं सर, नहीं बोलने का ना, नहीं सर, वो वाला सर, वो वाला सर, वो वाला सर, कितना प्यार करते हैं, हाँ, क्या हम तीनों कितना चाहते हैं, एक्चुअली मैं बताऊं, हम तीनों कितने अच्छे एक्टर हैं, वो वाला सर। सर आपके एक्टर्स तो अपने डायरेक्टर को बोलने ही नहीं देंगे। अच्छा, इंद्र ऐसे होता है। अच्छा, आप सुनना चाहते हो? जी सुनो। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलना, आप नहीं सर, इंद्र जी प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, वही कि मैं इन तीनों को इतना प्यार करता हूँ कि इन तीनों को मैं छोड़ नहीं सकता। क्या बात, वी लव यू सर। वाह, एक माँ जैसा डायरेक्टर। एक्टर नहीं, मेरे बेटे हैं। सर सही सही बताइए, प्यार ही करते हैं कि ये डिस्काउंट दे देते हैं आपको? डिस्काउंट क्या, आप उल्टा पैसे देते हो? अब समझ में आई बात। डोंट काउंट ऑन देम फॉर डिस्काउंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सर, आपकी पिछली दोनों पिक्चर जो हैं ब्लास्ट हिट रही हैं, और ये अभी कल ही रिलीज हुई, और बहुत अच्छा प्यार लोगों का मिल रहा है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं है। आपको एक चीज बताना चाहती थी कि ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर वेरी बिग फैन ऑफ यू कपिल। यू हैव गर्लफ्रेंड्स? लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, जो लड़कियों में मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, अरे कभी लेके आओ ना, ये मैसेज वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो कितना आपसे प्यार करती है। एंड दे आर ऑलवेज लाइक, जब भी मैं उनसे बात करती हूं, उर्वशी मुझे कपिल बहुत पसंद है, ऐसे बोलती है। ऑलवेज लाइक, तो फिर आपको जेलसी नहीं होती? हां, सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था कि प्यार पहुंचाने के लिए। देखिए, मेरी गुजारिश है, दो बच्चों के बाप बीच में ना बोले। मैं आपस में बात कर रही हमारी, कर लो भाई कर लो। अच्छा, यार मतलब पूरी फिल्म कर रहा है आप। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सारी लाइनें, सर मैं यही कहना चाहता, ये सारी लाइनें फिल्म के पहले दिन पे इन्होंने मुझे भी बताई थी। ऋषि, इज इट ट्रू? ये मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। ये भी बोला ना। क्या करूं, गर्ल्स लव यू सो मच कपिल। ओह माय गॉड, मेरे को पता नहीं था। कंट्रोल रूम प्लीज, ये तीनों एक्टर्स के माइक बंद कर दीजिए। हमें बात नहीं करने दे रहे। अच्छा, आपको पता है पाजी, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ जाओ, हैं, यहाँ बैठ जाओ, मैं परे हो जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं तो बोल रहा हूँ। यू कैन गो, आप उधर बैठ जाइए। नहीं, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। नजर रखने की जगह है सर, नजर रखने के लिए भी कोई चाहिए। नजर मतलब इतने कैमरा, इतने लोग, क्या कर लूंगा मैं ज्यादा ज्यादा? कपिल शर्मा भाई, कुछ भी कर सकते हो। पाजी, आपको पता है उर्वशी जो है ये नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। अच्छा उर्वशी, आपकी हाइट अच्छी है इसलिए आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, कि बास्केटबॉल खेलती रही हैं इसलिए लंबी हो गई आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो डैड हैं वो 6 feet 2 inches टॉल हैं। अच्छा। मेरी फैमिली में हर कोई टॉल है, फेयर है, बिकॉज मैं हिमालयाज उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बेसिकली आप हिमालय से हैं? हिमालय तो पाजी, आई तो लव हिमाचल। नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओ, आई लव उत्तराखंड ऑल्सो। उर्वशी, मेरे को ना किसी ने बोला कि आज ना शूट देखने उर्वशी की मम्मी भी आई हुई है। मैंने बहुत ढूंढा, मेरी अपनी मम्मी तो मिल गई मेरे को। नहीं नहीं, मत मत, आपकी मम्मी नहीं मिली मुझे, मत बुलाना। कहाँ आपकी मम्मी, यहाँ पे? बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हद से ज्यादा खूबसूरत है। वो तो फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के पता चलता है कि आप। उर्वशी, आप क्या हमें बताएंगे आपकी मम्मी इस समय कहाँ मौजूद है? जी, यू हैव टू स्पॉट हर। मेरे को लग रहा है उधर उधर उधर, वो लाल लाल उस वाली, कपिल वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, लाल साड़ी वाली। पीछे से भी नजर आपकी तेज है। नहीं, जिस तरह उसने उधर देखा ना, वो अपनी माँ को ही देख सकता है।
अच्छा वो माँ को देख रहे थे, आप उनकी माँ को देख रहे थे? आप बड़ा अच्छा, सबसे पहले आप ही ने स्पॉट किया है पाजी, लेकिन कसूर नहीं है आपका, है ही इतनी खूबसूरत हो। और मैं उसकी नजर को फॉलो कर रहा था जी, माँ को नहीं। कर लो आप अपना कर लो, मैं बाद में आता हूँ। नजरें कब से फॉलो करने लगे आप? भाई लाल हो रहे हो, चेहरा लाल हो रहा है। ओए साड़ी से मैच कर रहे हैं ना। अरे सॉरी मैम, हम लोग देखो थोड़ा कौन कहता है मोहब्बत के जबां होती, यहां से बयां होती है। मिसेज नवजोत कौर सिद्धू इस समय अपना जो भी जरूरी काम कर रही हो, इस समय ध्यान से देखिए इस शख्स को। मजाक बना रखा है यार तूने, पहले यहाँ मेरी दुराई कराई उससे, हद हो गई यार, सुमड़ी में गुमड़ी रखी यार, अपनी आपस की बात है। देखा ग्रैंड मस्ती का इफेक्ट है ये, ग्रेट ग्रैंड मस्ती का। आपके पापा नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, वो बिजी है। ओहो इतनी सुंदर मम्मी, वो कहाँ बिजी है? यार मतलब सॉरी भाई, मैं मतलब यार हमारे सब एक्टर दोस्त हैं पर सर मैं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, देखिए मेरे मन में कोई ऐसी कपिल आप सबसे बड़े मस्तीखोर हैं। मैं तो हरामखोर भी बहुत बड़ा हूँ। आज क्या खा गया तू मेरे ब्रेकफास्ट में? नहीं नहीं मैं मेरे में चाम आ जाता है भाजी। तो कैसी हैं आप मैम? शानदार। वो तो हमें दिख रहा है। मुझे लगता है कपिल को पार्ट फोर में लेना ही पड़ेगा। ये मेरे तीन अनमोल रत्न, अनमोल रत्न में मुझे लगता है चौथा रत्न डालना पड़ेगा। तो पक्की बात है अगली जो आपने कही ना कपिल, ग्रैंड मस्ती फोर पक्का है। लॉक कर दो सर, आधा घंटा और रुकिए, आप सिक्स भी देके जाएंगे। तो इंदर सर जी, नॉर्मली हमारे शो में क्या होता है कि जितने भी स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर आते हैं या हमारे जो दर्शक यहाँ पे देखने आते हैं, तकरीबन उन्हीं के फैंस को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। पर आज मुद्दा थोड़ा अलग है, आज यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, कुछ लोग कंप्लेंट लेकर आए हैं। तो जो भी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती की कास्ट से उनके डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। आप लोग इस फिल्म में तो बहुत ही मस्ती किए हैं, इससे पहले तीनों में भी मस्ती की है, और मुझे लगता है कि अपने घर पे भी इसी तरह मस्ती करते होंगे, लेकिन हमारी हमारे जीवन की मस्ती तो एकदम जा चुकी है। आप तो वही है ना परमाणु ऊर्जा वाले? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। जी हाँ जी हाँ। तो आपकी मस्ती क्यों खत्म हो चुकी है सर? असल में क्या, हमारी हमारी जो मैरिज लाइफ इतना पुराना हो गया कि अभी कुछ मजा ही नहीं रह गया लाइफ में। मतलब इनका परमाणु बम फट चुका है। देखिए एक कहावत है कि घोड़ा और आदमी कभी बूढ़े नहीं होते। सर गधों के बारे में कुछ सुना? लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती हैं। इंदु सर इतने धार्मिक मुंह से ऐसी बात आपने करी क्या? मतलब आपको अनुभव पूरा है सर। ओह तो आपको ऐसा लगता है कि मस्ती कम हो जाती है, हालांकि आपकी शादी को 27 साल हुए हैं, आपके बच्चे कितने सर? दो हैं। दो हैं तो दो दो बच्चों के बाप तो यहाँ पे मौजूद हैं, और तीसरे की भी शादी हो चुकी है। हम इनसे मेरे मेरे तीन हैं। आपके तीन हैं जी, वो तो टैबलेट का कमाल है ये। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपको कभी एंग्जाइटी होती है या आपको मन मचलता है, तो ऐसी जैसे आपको एसिडिटी होती है उसकी वजह से भी आपको लगता है कि लाइफ में मस्ती कम हुई है, तो उसके लिए भी मार्केट में टैबलेट्स हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी और मेरे एक दोस्त जी, अच्छा सारे 25 के ऊपर वाले ही हैं। 25 नहीं 45 जिनको हो चुके शादी नहीं करे, 45 सारे इंदू जी के क्लासमेट्स हैं। सर मेरी भी सेम समस्या है। वो तो दिख रहा है समस्या, तो सेम टैबलेट।
मेरे बड़े भाई ने बोल दिया, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया, तो ओके अरे मैं ये भी नहीं कह सकता कि मजाक बंद. ओके जी सर, आपको भी ये लगता है कि शादी के बाद जो आदमी जितना एंजॉय पहले करता है उतना नहीं करता बाद में? जिंदगी में लाइफ में मजा ही नहीं है जी. किस प्रकार का मजा चाहते हैं आप? मतलब क्या आपको लगता है कि बीवी परेशान करती है, बार बार पूछती है कि घर क्यों नहीं आ रहे, ऐसी चीजें? अरे बाप, ओहो, प्रणाम प्रणाम. उनको जवाब ही नहीं देने दिया. मैं समझ गया आपकी सर प्रॉब्लम. अच्छा, जवाब नहीं देने दिया, नहीं उसके बाद मुझे यूं यूं करें जैसे सेंचुरी बन गई है. जी नमस्कार मैम. सर ऐसी बात नहीं है. कैसी है? जब देखेंगे तभी तो माइक माइक मैम माइक यहाँ रखें. कैसी है, कैसी है सर? जब देखेंगे इधर को जब तो मस्ती होगा ना, जब देखने का ही टाइम. ये बहुत तगड़ा सर. सारा टाइम बिजी रहना. कहाँ बिजी रहते हैं, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं. तो फिर भी बिजी रहते हैं? अच्छा सर, पहले पहले जब काफी टाइम पहले बोलते थे साड़ी वाड़ी पहन के सब के निकलो, तो बोला ब्यूटीफुल हॉट हेमा मालिनी लग रही है. और उसके बाद से अभी अभी क्या बोलते हैं जी? अभी क्या बोलते हैं उनको? बोलो तब आप भी तो राजेंद्र कुमार लगते थे. तो अभी देखते नहीं भाई साहब. सर इनकम टैक्स में है ना, रेड में जाते हैं. अरे आपने तो पहले नहीं बताया सर, चाय लेंगे आप? दूसरों का टैक्स देख रहे हैं, अपना टीडीएस काट ही रहे. टाइम नहीं ना. बिल्कुल आप, मैं मैडम आपके साथ हूँ. बिल्कुल थैंक यू. और बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बहुत प्यारा बोलती हैं. थैंक यू. उर्वशी एक बात बताओ, आप इतना अच्छा डांस करती हैं, इतनी माहिर हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी जी जो हैं उनके अंदर भी ये कला तो होगी. जी हाँ है. तो आज माँ बेटी को क्या बात है यार, तालियां तालियां. थोड़ा सा डांस ठोको ठोको यहाँ पे दिखाने को कहा जाए. आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. हाय हाय क्या बात है. पर मैं क्या करूंगा, आप इतना अच्छा डांस करते हो, मैं बीच में ये सब करता अच्छा लगूंगा? नहीं, आपको मैंने आपके कई सारे डांस परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आप भी अच्छा डांस. कहाँ देखे हैं, मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी तो मेरे. जी आइए मैम प्लीज. एक बार जोरदार तालियां ग्रेट ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब मिस्टर इंद्र कुमार जी के लिए. थैंक यू थैंक यू. तालियां मजेदार होनी चाहिए और यार इतना मजा. और उर्वशी की मम्मी जी के लिए और जोरदार तालियां. सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए. और विवेक भाई, आफ्ताब, रितेश, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहेंगे. इंद्र सर, उर्वशी आप जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आई होप एंजॉय किया, बिकॉज बहुत मेहनत करके आपने फिल्म बनाई है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन आपको भी चाहिए होता है. बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ आकर रिलैक्सेशन, मजा आ गया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उर्वशी और इंद्र कुमार सर के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आइए भाई आप प्लीज. पाजी रितेश, विवेक और आफ्ताब तीनों ही वेल टू डू फैमिली से. अच्छा, हम जितने भी एक्टर्स यहाँ पे आते हैं हम लोग उनकी स्ट्रगल की कहानियाँ सुनते हैं, आपकी स्ट्रगल की कहानी हमने कभी नहीं सुनी. स्ट्रगल क्या है कि शायद जो फिल्में मिली वो मैं करता गया, पर एक कैरेक्टर स्ट्रगल बहुत था मेरे लिए. मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी, अपना सपना मनी मनी, मैंने एक लड़की की भूमिका की थी. तो जब मुझे फिल्म ऑफर हुई मैंने सोचा भी ये लड़की की भूमिका मैं कैसे करूं, तो सबसे पहले ये था कि यू नो अपने आप को पूरी तरह ढक लो, शोल्डर्स ब्रॉड है तो शोल्डर्स को ढक लो, और ये सब करना शुरू कर दिया. फिर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, बहुत परेशानी, बाप रे बाप. मैं तैयार होके पहले दिन पर मैं गया और मैंने छाता नीचे कर लिया था ताकि मुझे कोई देखे नहीं, ऐसे कोने में एक कुर्सी लेकर. तो मेरे बाजू में चंकी पांडे जी आके बैठ गए. अब छाता नीचे था तो मुझे बोले कि
how are you? I'm like, I'm fine. I said, where are you from? I'm from Mumbai. Sham ko kya kar rahe आपको कभी वैसे तो नहीं हुआ कि जैसे कोई छोटे शहर से कोई लड़का आया और डेली सोप जो होते हैं उसकी कभी उसके लिए स्ट्रगल ऑडिशन देना पड़े है? हमको कभी नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला हमें, किसी ने मौका ही दिया नहीं। आज आपको मौका दे देते सर। क्या बात करो, हाँ आप जो आपका दिल करे करो सर। आपसे शुरू करते हैं सर। कौन पहले डेली सोप में हाथ आजमाना चाहेगा? विवेक जी, तो आपको एक किरदार देते हैं। अच्छा, कैसा? मतलब खतरनाक वाली सास जो बहू को बोलने नहीं देती है। ओके ठीक है, बहू कहाँ है? बहू मैं बन जाता हूँ। मैं स्टेपनी हूँ, मैं कहीं पे फिट हो जाता हूँ। बहू तो अच्छी बात है। ओके मैं बहू आपकी। ओके क्या बात है, ओह माय गॉड, सिर पे उतर ला। ओ कपिल, कपिल सिर पे उतर ला ना, नू ओ सिर पे उतर ला। सासू माँ, सासू माँ, भाई लागू क्यों बुलाया मुझे? खबरदार जो मुझे सासू माँ कहा तो इस घर में ना अपने ससुर जी को अपने पिता समान समझो और मुझे अपनी छोटी भाभी के समान। अरे सासू माँ, आपने तो सारे रिश्तों की देवर जेट कर दिया। क्या बात हुई, सब समझती हूँ मैं। हाँ और सुनो बदतमीज, बेशरम, बेहया, सबके सामने घूंघट तो निकालो। आप निकाला करो, मेरा मुंह तो अच्छा है। Shut up! देखो मुझे ना फटाफट बच्चा चाहिए, वो भी जुड़वा, वो भी 3 महीने में। मैं आपकी बहू कोई जेरोक्स मशीन नहीं हूं मैं अभी, मतलब कैसे कैसे, ये कोई रितेश देशमुख की फिल्म है जो हर 3 महीने में आ जाएगी। ऑडिशन हो चुके हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग कास्ट कर सकते हैं। अरे रितेश जी, अब आपकी बारी है। Oh आजा मेरे यार, आप अपने वैंप वैंप जुल्फे इस तरफ कर ले। हाँ जिधर जुल्फ हो जाएगी उधर ही साड़ी है। घर में बैठी स्विमिंग पूल में नहीं। चलो ठीक है, दो सहेलियां बैठी हुई हैं। आप वैंप हैं और मैं आपकी सहेली, नॉर्मल एक सीधी सादी बुढ़िया। हाँ जिसको कुछ नहीं पता चलता इसका क्या करूं मैं। हैं हाँ यहाँ मान ले यार। ठीक है सॉरी, साउस बहु सराउंग। अरे मैं वैंप हूँ, काम करने की भाई नहीं हूँ। अब तब हम कुश्ती नहीं करने वाले, लंगोट क्यों पहना रहे हो आप? ये तो ऐसा लग रहा है सुल्तान का लंगोट है। सुल्तान का पता नहीं, सुल्तान का पता नहीं, फिलहाल मैं सुल्ताना हूँ। चलो आप वैंप हैं और मैं आपकी सहेली जी। अरे टीना सुन, पम्मी तेरे बहू के ना चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हाँ मेरे को पता है, उसके पैर में चोट लग गई थी तो चाल चलन कैसे हो गया। अरे पम्मी तू समझ नहीं रही है, वो चुपचाप रात को ना किसी से मिलने जाती है। तो अच्छा है चुपचाप जाती है, शर्म जाएगी, बदनामी होएगी। अच्छा वैसे सच्ची में ऐसे दाढ़ी वाली औरतें होती, कितना मतलब हॉट लग रहे थे। पम्मी क्या तेरी बहू मुझ जैसी हॉट है? पम्मी अच्छा रितेश भाई सच्ची में बताना, रितेश भाई सच्ची में बताना, दाढ़ी वैसे क्यों बढ़ाई हुई आपने? क्या अभी 3 महीने से काम मिला नहीं है और 3 महीने तक काम है नहीं यार। एक महीने में 2 बार आ चुके हमारे शो पे, 2 फिल्में हाउसफुल अभी ये, और उसके सच ये किसी और फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। और एक बात बोलो, अगले महीने भी आ रहा हूं। और अच्छी बात है भाई, आप ऐसी फिल्में करते रहो ढेर सारी। जोरदार तालियां रितेश भाई के लिए। आफ्ताब अभी आपके ऊपर, आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? आप दो दुपट्टे हमारे पास हैं कोई, मैं डिसाइड करूं? भी मैंने ओरिएंटेड रोल ही कर लो यार, तू मत डिसाइड कर। इसको इसको चुड़ैल बनाओ। मेरे मुंह की बात छीन ली, क्या क्या नेचुरल परफॉर्मेंस आएगा बहुत, जैसा चेहरा है वैसा कैरेक्टर देना चाहिए।
जैसी पनीर जैसी चुड़ैल है ना, गोरी चिट्टी पनीर अरे ऐसे क्यों हंस रही हो, कोई नया चुटकुला आया है क्या? एक्चुअली ना मैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती देख रही थी, आधे में मैं हंस हंस के मर गई। अब ना मुझे ग्रेट ग्रैंड मस्ती पूरी देखनी है। बहुत चलाक है आदमी, चुड़ैल बन के फिल्म प्रमोशन कर रहा है। उधर ये चिकनी चलती है क्या? ओहो गुलाबी क्या दिख रही है बंटा? ओए मोटी क्या लग रही है तू? विवेक आफ्ता मैं इन लोगों से अपने आप को छिड़वा रही हूँ जबकि उच्च कोटि के नंबर वन छेड़ू तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान को काम का इनसे क्यों? ए पैसे वाले दे दे निकल ऊपर से बदनाम पूरा आए बड़ी छेड़ने वाले। नंबर टू पर अभी मैं तुम्हारा जिक्र कर रहा था यहाँ पे। क्या? हाँ जिक्र। हाँ जिक्र। हाँ क्या बोल रहे थे आप मेरे? वही वो कहावत बोल रहे थे, वो नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने वो कहावत सुनी है? कौन सी? जिसका शो उसी को मुक्का। ये तो कोई कहावत नहीं हुई। नहीं ये कहावत हो सकती है। हाँ आप अगर ऐसे भड़काऊ बातें करेंगे तो होगा ना ऑब्वियसली। मैंने किसको भड़काया? मुझे। मैं क्या आपको भड़की हुई दिखाई नहीं दे रही हूँ? उबलती हुई। चलो इग्नोर इग्नोर। वैसे रितेश आफ्ताब विवेक मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो थे ना ये मरीज थे मेरे, इन्हें छेड़ना वेड़ना आता ही नहीं था, तो थोड़ा सा ऐसे छिछोरेपन का तड़का सा लगा के अगर आप मुझे छेड़ देंगे यू विल मेक माई डे। अंबर तू ना जाके ऐसे गीले हाथ करके ना बिजली की नंगी तार को छेड़, इट विल मेक अवर डे। अरे क्यों छिड़वा रही उनसे अपने आपको? कपूर शर्मा आप कभी इनसे काम क्यों नहीं लेते? इनसे क्यों काम लूं मतलब? जरा विवेक से काम लीजिए। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी फिल्मों में जैसे मस्ती वस्ती करते रहते हैं ना बहुत सारी, वैसे मैं बेद मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब वो मस्ती करने में आई एम नंबर वन मस्ती खोर। ये तो सही कहा इसने, मतलब ये कीचड़ देख के तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती ना, और दो मिनट के अंदर अंदर ऐसा रूप बदल दिया आप पहचान नहीं पाओगे सुअर कौन सा बंपर कौन सी। वो तो छोटी पूंछ बड़ी पूंछ देख के पता चलता है। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात हुई? मैं तो बस धूल मिट्टी साफ कर रही थी अपने हाथों से, इसके लिए भी परमिशन लूं आपकी? कमाल की बात कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ी देर चुप रहिए ना, इन्हें मुझसे मेरे साथ फ्लर्ट करने दीजिए। ये कहाँ कर रहे हैं फ्लर्ट, झूठ बोल रही हैं। अरे तो आप मौका देंगे तो फ्लर्ट करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए अपने हासी रस को थोड़ा सा विश्राम दीजिए और यहाँ पर श्रृंगार रस को फैलने दीजिए। हाय हाय तेरा श्रृंगार रस नहीं, तेरा वो विभत्स रस है तेरा। हैं विभत्स रस? व्हाट इज विभत्स? सेम जैसा तूने मुंह बनाया ना ये ड्रामा। वैसे विवेक आफ्ताब रितेश मैं आपको बता दूं मेरी हमेशा से विश रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो वो जवान हो, हैंडसम हो और डॉक्टर भी हो। अब आप ये देखिए इत्तफाक देखिए, इत्तफाक देखिए आप कि यहाँ पर आप जवान हैं, आप हैंडसम हैं और आप फिल्म में डॉक्टर भी हैं, करेक्ट जी? तो एक साथ मेरे पूरी की पूरी सारी विशेष किस तरह पूरी होती जा रही है। नहीं देखिए कोई आप बैठी रहिए, आप बैठी रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरा हलाल। तो मैं कह रही थी कि मेरे हमेशा से एक और ख्वाब रहा है, आई ऑलवेज विश्ड। नहीं नहीं आप आइए, आप इम्पोर्टेंट हैं, आपका दिखना। तो मेरी हमेशा से ऐसी विश रही है कि हम ना एक कैंडल लाइट डिनर पे जाएं। बिल्कुल मत जाना भाई, ये कैंडल खा जाती है, मैं आप बता रहा हूँ। तो कैंडल लाइट होती है, आराम से पच जाती है तो खा लेती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो धागा थोड़ा सा अटकता है, तकलीफ देता है, पर चलो ना अंदर से थ्रेडिंग व्रेडिंग हो जाती है। सांस अटक गया, सांस, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो बताइए मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे आप लोग?
है? तुम रेडी हो पहले बताओ। मैं रेडी? ओह अच्छा रेडी, रेडी तो मैं अभी यूं होकर आ गई। तुम ना थोड़ा सा मेकअप कर लो बस, काम हो जाएगा, कोई ना कोई पड़ जाएगा इन दोनों में से। अरे एक मिनट, वो खुद मेकअप कैसे करेगी? वो करना चाहिए मेकअप उनके लिए। हाँ। हेल्प करना चाहिए ना। अरे है ना रितेश की कोई ऐसी नस दब गई है कि उसके दिमाग में ना खून का प्रवाह नहीं जा रहा है। हाँ शायद ठीक है। चलिए अगर आप लोग मेरा मेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेकअप का सामान तो मैं लेकर आई हूँ जी। फैंटास्टिक, मैं खुद करना चाहिए। लिपस्टिक है? हाँ है ना। बैग निकाल के मुझे दे दो ना। सब निकाल के लगा देंगे। आइए आइए आप मेरा मेकअप कर लीजिए। आप यहाँ बैठ जाइए। ओ वेरी गुड, आई एम सो एक्साइटेड। कीजिए कीजिए। अगर आप चाहें तो ये बंपर आपकी हो सकती है। देखिए हमारा रिश्ता भी अच्छा रहेगा। मैं लाऊंगी सुख, आप लाएंगे चैन। कुछ ये निकाल के मुझ पर फेंकना चाहेंगे? फेंक दीजिए। देखिए चैन खींचने से आदमी रुक जाता है यहाँ। चलिए रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके ना हो। अरे अपने हाथों से आपने मेकअप किया, अपने हाथों से शीशा भी दिखा दो। दिखा दो, दिखा दो भाई। थैंक यू सो मच। बड़ा फूल बनाया है इसे। फूल आप लोगों को शर्म बैठी ऐसे ही मानती है ये। बैठिए आप प्लीज, नो प्रॉब्लम। उतर रहता है, इट हैपेंस। काफी फूल गई। गुस्से में वर्ड प्ले। बैठे जी प्लीज प्लीज। पागल लड़की, सारा काम खराब कर दी। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या ये सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से तीन मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद है। इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है फिर भी दबा के मस्ती करते हैं, क्या ये सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी आप जी, मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि क्या है अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है, अगर अफेयर हो तो ज्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू अलर्ट। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए, कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाई है। जी शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना। बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। हा हा हा, रद्दी, रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब जी, जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आए, 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 आए।
आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है तो मेरे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटा। मेरे को पता है मेरे आए हुए पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप। समोसा पे खरगोश रख के आ जाते हैं आप और बकवास बकवास किए जा रहे। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में पहचानने में निकल जाते हैं, बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर करने के लिए। okay. लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है उसको पहले से ही जानते हैं तो फिर क्या जी जल्दी भर जाता भर जाता क्यों रितेश? साले 2-4 तालियों के लिए तो मेरी की बजा रहे। बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटियल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है शादी जो होती है फिर टीवी के अंदर बैठिए, टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना तो बात जी ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, ये लाइव है ना इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा वाह वाह तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। लुच्ची बाहर चक्कर क्यों नहीं होता होगा, औरतें डर जाती होंगी कि जो डांस इतना गंदा करती मारेगी कितना गंदा। बट तेरी ऐसा ही कह रहा है, आप सही कह रहा है। कोई डांस हुआ तरीका है डांस करने का, डांस हम आपको दिखाते हैं। रुकिए बढ़िया है तू जीने तो मान। अरे म्यूजिक लगाइए। सिटी केबल का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त किया जाता है। बदतमीजी की वजह से हटाइए सिटी केबल। रितेश भाई, विवेक भाई, आफ्ताब, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई सर एंड थैंक यू, यू've been such a wonderful crowd. थैंक यू दोस्तों। बाजी अभी रौनक मेला खत्म नहीं हुआ है, आज हमारे मोहल्ले में कुछ खास मेहमान और आने वाले हैं। ये ऐसा परिवार है जो अपने बेटे अभिषेक के लिए एक दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम द पंत परिवार फ्रॉम बड़े भैया की दुल्हनिया। हाय वेलकम अभिषेक, आप अकेले आ गए? तो 14-15 लोग कहाँ हैं जो आप बाइक पे बिठा के लेके जा रहे थे? तो यहीं कहीं बैठे होंगे आई थिंक, अलग ही दिख जाते हैं सर। हैं? ये आपका परिवार है कि आस पड़ोस वाले भी हैं साथ में? सर मेरा ही परिवार है, 14 लोगों का प्यारा क्रेजी परिवार है। आप लोग भी प्लीज मंच पे आइए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
आप सब इसको आप एक्चुअली अभी आप पहचानेंगे नहीं, मान लो इसको मैं थोड़ी सी छोटी कर दूं, इसके दो दांत आगे वाले निकाल दूं, तब आपको याद आएगा ये कौन है। सलोनी है और बड़ी ही प्यारी इसकी टाइमिंग है और मेरी ये फेवरेट है। अभी ये बड़ी हो गई है, कौन सी क्लास में होगी तू? अभी नाइन्थ में हो गई है। तो अभी पंत परिवार में क्या कर रही है? मैं मेरे बड़े भैया की दुल्हनिया ढूंढने आई हूं उनके साथ। अच्छा, सारा परिवार मिलकर ढूंढ रहा है। तो आप बताइए, घर की सबसे मुख्य मेहमान दादी जी, कैसी बहू चाहिए आपको? मुझे मन वचन कर्म सबसे सात्विक बहू चाहिए, जो सबकी सेवा करे और भगवान में विश्वास रखती हो। जैसे दादी जी की डिमांड है, बाकी सबकी वैसी डिमांड है? नहीं, नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस है। सब 14 के 14 लोगों की अलग अलग है। आपको भी अलग चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, 14 लोगों का खाना मैं बनाती हूँ, बस इतना खाना तो बना सके, घर का काम करे, सब साफ सफाई करे, घर पे सबको साथ रखे, इतनी तो गुण होने चाहिए ना उसमें। और चाचा जी आप? किफायत से चलने वाली हो ना, मध्यम वर्गीय परिवार है हम, अब 14 लोगों का खानदान है, अब बीवी की हेल्प भी कर सके और बचत में उतने लोगों का काम कर सके, वैसी चाहिए। डीजल पे चाहिए बहू आपको? किफायत से चलने वाली क्या? हाँ, इसीलिए तो एक बाइक पे इतने सारे चढ़ के चलते हम, किफायत के लिए। 14 के 14 लोगों की उन पे क्राइटेरिया पे पूरी उतरे, कोई ना कोई मना कर देता है या फिर कोई ना कोई लड़की इन लोगों को देख के मना कर देती है कि मुझे यहाँ नहीं आना। भाई देख लेना, परिवार को खुश करने के चक्कर में अपने बसंत ना खराब कर लेना अपना। आपके परिवार में हैरी पॉटर भी है, ये देखो। नॉर्मली परिवार में क्या होता है, 36 गुण मिलने चाहिए। आपकी जितनी डिमांड है ना, लड़की में कम से कम 1960 गुण होने चाहिए, तब भी मुझे लगता है एक आध छूट जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, एक प्रोमो में मैंने देखा आप एकदम से एक लड़की हाथ देती है आपको। हाँ। और आप रोक के लिफ्ट देते हैं उसको। हाँ हाँ। वो लड़की को वैसे भी बिठा लिया, पहले लोग कम थे? नहीं, वो अब ऐसे ना कि अभिषेक सबको साथ लेके चलने वालों में से है, तो सबको साथ लेके चल रहा था, ऐसे ही कोई लड़की दिख गई तो सबको साथ लेके चलते। बाथरूम अकेले जाते हो कि सब साथ जाते हैं? है? तो वो लड़की ऐसे दिख गई तो आपने लिफ्ट दे दी। अकेली लड़की देखी, उसे लिफ्ट दे दी, ये नहीं बता सकते कि मैं भी बड़े भैया की दुल्हनिया शो का हिस्सा हूँ, छोटा सा ही। हेलो, क्या है अभिषेक? आई एम मीरा। हाय, आई एम मोहन। मैंने आपके बारे में भी देखा है शो में, आपको मतलब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खुश रहना है, बस एक ही फिलॉसफी है, और कुछ करना भी नहीं है। ना ना, ये लड़की नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अम्मा जी भड़क गई पहले ही। तो ये फैमिली बड़ी अतरंगी है, मतलब ये लड़की बिल्कुल अलग है, इसको जिंदगी में खुश रहना और कुछ करना नहीं है, और इनको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, इनकी अलग अलग डिमांड है। ये बहू ढूंढनी मोबाइल ढूंढने निकले हैं, किसी को टच स्क्रीन चाहिए तो किसी को 21 मेगापिक्सल। चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि जो आपने लिफ्ट मांगी है, निजी जिंदगी में होता तो मैं मान सकता था ये कुछ भी हो रहा है या अचानक हो रहा है, लेकिन चैनल ने कुछ सोच के अगर आपको लिफ्ट दिलवाई है तो मुझे लगता है सोनी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सो इस परिवार को देखिएगा, आपको मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.